तो गाइस हेलीकॉप्टर देख लिया आपने, यहाँ पे हेलीकॉप्टर खूब चलते हैं। और अभी जो है आउटसाइड टेम्परेचर 6 डिग्री शो कर रहा है और टाइम हो रहा है 11:23। और इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो पहले उस ब्लॉग को देख के आओ जिसमें स्पीति रिवर में स्कॉर्पियो से अपन ने गदर बचाई है। तो अब अपन जा रहे हैं टिक्किम। वैसे जा तो अपन पिछले वाले ब्लॉग में रहे थे, मैंने कहा ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए उसको शॉर्ट कर दिया। और भाई उस वाले ब्लॉग का तो क्या बताऊं मैं आपको, जरूर देखना उसको। और अब हिक्किम के अपन जो हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है वहां पे जाके आपको दिखाते हैं कैसा नजारा है। रोड कंडीशन बेकार है बाकी यार, क्योंकि काफी देर से हम बस ये 20-30 की स्पीड पे चल रहे हैं। टाबो के बाद से ही हमें रोड अच्छे नहीं मिले हैं, बीच में कहीं कहीं अच्छा पेच आता है, बाकी रोड खराब है ओवरऑल। बाकी लेबर लगी हुई है और क्लीन करती रहती है, गड्ढे भरती रहती है, पोथोल जो भी होते हैं उनको सबको ये फिल करते रहते हैं, दिन भर काम करते हैं। इनका भी सल्यूट है भाई कि भाई आप काम कर रहे हैं और हमारे लिए रास्ते क्लियर रखते हैं। बाकी पहाड़ देखो, मिट्टी में पत्थर चिपके हुए हैं, अलग ही है, अलग है, अलग है भाई, अलग है, अलग है। कहाँ गई गाड़ी की चाबी? है मिल गई भैया, हम तो घबरा गए थे। गाड़ी की चाबी जो है ना, वो जब गाड़ी पूरी तरीके से हिली ना, शेक हुई, तो गाड़ी की चाबी पता नहीं कहाँ चल गई थी, हम बहुत देर से ढूंढ रहे थे। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि भाई जो इसमें सिस्टम में डिस्प्ले में MID पे जो आ जाता है कि की नॉट इन रेंज या की नॉट इन द कार, वो नियर आता तो हमें ये कॉन्फिडेंस था कि चाबी जो है गाड़ी के अंदर ही है। तो फाइनली मिल गई है गाड़ी, सॉरी चाबी, गाड़ी की चाबी। और ये कुछ इस तरीके के नजारे हैं सामने, बेहतरीन नजारे यार, मजा आ रहे हैं, बहुत औसम फील हो रहा है यार, सही बता रहा हूँ मैं। और सामने का आप अगर ये माउंटेन देखें तो कुछ कुछ जो इसका फॉर्मेशन है, मतलब फ्लैट है सामने से, वो अपने अपने क्या बोलते हैं उसको यार, वो पिरामिड टाइप बना हुआ है। देखो अभी अब रोड अच्छे हैं, काजा ज्यादा दूर नहीं है, मेरे हिसाब से काजा यहाँ से जो होगा 7-8 किलोमीटर बचा होगा, 6 किलोमीटर काजा है। और रोड ठीक है, अब फिर वहाँ से अपने को राइट टर्न लेना है और 21 किलोमीटर पे हिक्किम जो हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है वो अपन को मिलेगा। क्या है ये जैकेट? नहीं गैकेट, द मड हाउस गैकेट, पता नहीं लिख भी नहीं रखा यार। ऐसे छोटे छोटे विलेज जो है ना बहुत है यहाँ पे, कैफे हॉस्टल रूम्स यहाँ पे है, ऑथराइज मोटो क्लब हॉस्टल रूम, ग्रीस मोटो क्लब, काजा है कि काजा आगे वाला हुआ है तो नहीं, नहीं एंट्री गेट काजा तो नहीं लग रहा मुझे, देखते हैं। काजा नहीं है भाई, काजा नहीं है, काजा सीधा है अभी देखो, न्यू सर्किट हाउस स्पीति परिधि ग्रह है तो काजा ही है भैया, काजा ही है, बस स्टैंड काजा, काजा ही है भाई। और न्यू काजा आगे है, ये ओल्ड काजा है। चलो देखते हैं, और अपना भी आउटर चलेंगे। Love Spiti Valley, झूले और शांति स्तूप बने हुए हैं, लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं बहुत सारे। I love Spiti। काजा मनाली हाईवे से हमने बिल्कुल शार्प राइट टर्न लिया था और अब ये हम वापस से चढ़ाई चढ़ रहे हैं हिक्किम के लिए। और अभी तक तो हमने सिर्फ 2 लूप चढ़े हैं और आपको शायद अभी नजर आ रहा होगा सामने, देखो उस हाइट पे जाना है, अब हो सकता है पहाड़ के टॉप पे ही जाना होगा, ये जो पहाड़ है और इसी पे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया सिचुएटेड है। बाकी रोड्स अच्छे हैं इस वजह से टाइम मेरे हिसाब से 12-13 किलोमीटर को बचा है, लेकिन आधा घंटा लगेगा 13 किलोमीटर कवर करने में। गाइस सामने देखें, इंडिया के फ्लैग बने हुए हैं, दिख रहे हैं आपको ये,
इंडिया के फ्लैग बने हुए हैं पहाड़ पे, और ये देखें आप स्नो। गाइज हमने जो है काजा से जो हिक्किम काजा से जो लांगजा रोड है उसको छोड़ दिया है। सामने आप देख सकते हैं जो डामर रोड जा रहा है वो लांगजा के लिए जा रहा है, और अब जो है थोड़ा सा ऑफ रोड आया है, राइट टर्न लिया हमने यहाँ से, और ऑफ रोड पे जो है अपने को हिक्किम और कॉमिक दोनों इसी रोड पे मिलेंगे। स्पीति रिवर का कैसा नजारा है, मतलब यार अलग है भाई, मतलब छोटे छोटे सेक्शन में पानी आ रहा है और वहां जाके इतना सारा हो जाता है, गजब यार। पूरा रोड खराब है यार, गाड़ी जो है फर्स्ट गियर सेकंड गियर में ही चल रही है, हाइट गेन कर रहे हैं तो उसकी वजह से नोज स्ट्रिल्स पे ना हल्का सा प्रेशर फील हो रहा है। मतलब कल भी मेरे साथ हुआ था तो हल्का सा जैसे ब्लड क्लोट आता है ना, मैंने नोज क्लियर करी थी रात को तब हुआ था, क्योंकि हम कल भी हायर एल्टीट्यूड पे थे और अभी वापस जब हम जो हिक्किम कॉमिक जा रहे हैं ये भी हायर एल्टीट्यूड पे है, तो बार बार पानी की प्यास भी लग रही है, गला सूख रहा है और नोस्ट्रिल्स में ना मतलब हल्का सा प्रेशर फील हो रहा है, हल्का हल्का सा, ज्यादा नहीं हल्का हल्का सा। तो हम पानी पीते हैं, आप भी अगर कभी हायर एल्टीट्यूड पे या इधर की बेल्ट में आओ तो पानी पीते रहो, पानी जो है आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देगा और ऑक्सीजन की कमी को भी पूरा करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन लेवल कम है, हमने क्या एसी ऑफ कर रखा है, एसी ऑन रहता तो शायद हो सकता था ये प्रॉब्लम नहीं होती हमें, क्योंकि हम जब पेंगोंग लेक जा रहे थे या लेह खारदुंगला तो हमने हमेशा एसी ऑन रखा था, तो वहां पे इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी हमें। ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि हायर एल्टीट्यूड पे बार बार गला सूख रहा है, तो हम जो है अब एसी ऑन करने की सोच रहे हैं, एसी ऑन कर लेते हैं। तो भाई चलो एसी ऑन करने के बाद थोड़ी जान में जाना ही है ना, पानी पीने के बाद जो नोस्ट्रिल्स पे जो प्रेशर था ना वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। यार ड्रोन होना चाहिए था भाई, ड्रोन की बहुत ज्यादा नीड महसूस हो रही है मेरे को, क्योंकि जो नजारे हम देख रहे हैं ना इसको अगर अपन बर्ड आई व्यू से ऊपर से देखेंगे ना ड्रोन शॉट से अलग दिखेगा भाई, अलग। इधर अपनी स्कॉर्पियन चलती हुई, कोई नहीं, बीच में दो टूरिस्ट व्हीकल हमें दिखे थे, और अलग अलग तरीके के पहाड़ है, हर पहाड़ अपने आप में बहुत खूबसूरत है, और रोड बस रोड खराब है, अगर ये भी टर्मेक रोड होता तो और ज्यादा अच्छा रहता और स्पीड मेंटेन होती शायद। अब वो अपन पहुंचने वाले हैं, सामने मेरे को एक विक्टोरी बिल्डिंग दिखाना, सामने कुछ कच्चे घर भी हैं मिट्टी वाले और एक पक्का सा मकान भी दिख रहा है, पता नहीं यार वही है क्या पोस्ट ऑफिस, तो थोड़ी देर में पता लगेगा अपने को। तो अब जाके अपने को है ना टूरिस्ट दिखे, अदरवाइज काजा तक तो हमें कोई टूरिस्ट कल दिखे थे, टाबो में जरूर टूरिस्ट हमें मिले थे। आउटसाइड टेम्परेचर जो है 10 डिग्री है, और एक लेफ्ट हॉल ले लें अपन जिसमें अपन सीधी ऊपर चढ़ा सकते हैं गाड़ी को टॉप पे। सब नीचे रुके हुए हैं लेकिन हम जो है ऊपर चढ़ाने की कोशिश करेंगे, नहीं ऊपर चढ़ा के रहेंगे अपने स्कॉर्पियो इनको टॉप पे लेके जाएंगे, और अब अपन यहाँ पे लेंगे फोटोशूट भारतीय डाक विभाग, यहाँ लगाएंगे अपनी गाड़ी को इस बोर्ड के साथ। गाइस फाइनली एक और अचीवमेंट हमने पूरा किया है, हिक्किम हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड, जिसकी ऊंचाई है 14,567 फीट और 4,440 मीटर। तो अचीव किया, और ये क्या हाइट जो है 14,567 फीट है, इस वजह से जो प्रॉब्लम मैंने बताई थी ना आपको गाड़ी के अंदर वो हो रही थी, और एसी ऑन करे बाद पानी पिए बाद वो सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई। और खैर हमने तो खारदुंगला भी कर रखा है, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड, और भारतीय डाक पोस्ट, क्या पोस्ट करें भाई अपन यहाँ से,
यहाँ कोई फोटोग्राफर हो तो उनसे फोटो खिंचवा के पोस्ट करवा लेते हैं, हैं? क्या बोलता है? नहीं है ना, अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन अब क्या पोस्ट करें यहाँ पे? आ जाए अंदर सर, म्यूजिक चल रहा है यहाँ पे। तो ये है यहाँ पे अंदर का सेटअप। तो क्या पोस्ट करते हैं यहाँ से अपन? जी देखो ऐसे ऐसे कार्ड। अच्छा ये कार्ड्स हैं, 20 रुपए के कार्ड है घूमने के। अच्छा अच्छा, 6 रुपए टिकट लगती है इसमें। अच्छा तो टोटल अपना 26 रुपए पेड करने पड़ेंगे आपको, 26 रुपए पेड करेंगे। और हर तरीके के अपन ये कार्ड्स हैं जिसमें पीछे नाम पता एड्रेस वगैरह सब आ जाएगा। अलग अलग फोटो हैं इसमें सभी के, ये जैसे की मोनेस्ट्री का फोटो हो गया, ये डार्क इसका हो गया, चीचम ब्रिज का हो गया। तो चलो एक फोटो तो हम भी जो है पोस्ट करते हैं यहाँ से। हमारा नहीं, हमारा अगर कोई फोटोग्राफर होता जो इंस्टेंट प्रिंट आउट दे देता तो फिर हम हमारा फोटो भी प्रिंट लेके और पोस्ट कर देते। तो जो अच्छा लग रहा है हमें, एक तो ये चीचम ब्रिज ले ले और एक की गोम्पा ले ले, 50 रुपीज हो जाएंगे। ऑनलाइन पेमेंट होता है, कैश होता है पेमेंट? कैश होता है, कैश देना पड़ेगा। चेंज हो जाएगा, चेंज मिल जाएगा 500 का। चलो कर लेते हैं फिर ये काम, और फिर देखेंगे कि हम पहले कोटा पहुंचते हैं या ये पोस्ट पहले कोटा पहुंचती है। आप लोग पहले पहुंचे, हम पहले पहुंचेंगे। ये तो धीरे धीरे आते हैं ना। हाँ हाँ, तो गाइज हम जो है हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड पे हैं और यहाँ से दो फोटो हम जो है पोस्ट कर रहे हैं। और आज है 21 अक्टूबर 2023। अब देखते हैं कि ये कोटा हमसे पहले पहुँचते हैं या हम पहले इससे कोटा पहुँचते हैं। तो अब डाल देते हैं इनको। आयो तो उधर ही डाल देते हैं। बाहर से देख रहा था ना यार, बाहर से डाला था, पॉज किया है ना यार। चलो तो गाइज अब जो है हम जो है कुछ फोटोज लेते हैं और रील्स वगैरह शूट करते हैं और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय।